मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया, मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया, फिर तपस्या करके मुझको स्वर्ग से लाया गया। क्या करूं होऊं प्रफुल्लित डूब जाऊं शोक में, क्या करूं होऊं प्रफुल्लित डूब जाऊं शोक में, मुझको बहना है बहु इस लोक या उस लोक में। दोस्तों ये चंदौली है और चंदौली भी कर्मनाशा नदी का क्षेत्र है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कर्मनाशा नदी ऐसी है कि भाई इसमें स्नान करने से कर्म नाश हो जाते हैं, दर्शन करने से भी कर्म नाश होते हैं, नदी को पार कर लो तो भी कर्म नाश हो जाते हैं। लेकिन हर बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। कर्मनाशा की गलती क्या है कि उसको उसमें स्नान करने से लोगों के कर्म नाश हो जाते होंगे। अक्सर क्या होता है जब संजीदा कोई रचनाकार आता है तो वह ऐसी बात करता है कि सीधे आपके दिमाग से होते हुए दिल में उतर जाता है। वहाँ हाके नहीं छूटते हैं, वो मस्ती नहीं दिखती है, लेकिन इतनी गहरी छाप होती है उस कविता की कि आप सालों साल उस पे सोचने पे विचारने पे मजबूर हो जाते हैं। हमारे बीच में एक ऐसे विद्वान कवि हैं जो सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं, केमिस्ट्री के अध्यापक हैं, बहुत ही विद्वान हैं, और कर्मनाशा पर उनकी कविता है। और कर्मनाशा को जो लोग समझ जाइए कि अशुभ मानते हैं, कर्म नाश करने वाली नदी मानते हैं, वो उसके विरोध में कविता करते हैं। और निश्चित रूप से ये हमारे चंदौली के गौरव हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप उनको सुने, उसके बाद हम पूनम श्रीवास्तव जी तक चलेंगे। हर कवि हमारा मेहमान है, हमें हर कवि का आदर करना है, हर कवि को तरजीह दे करके सुनना है। उप संपादक जी आपकी तालियाँ ऐसे ही आती रहेंगी तो हौसला हमारा 10 गुना बढ़ा रहेगा। एक बार जोरदार ताली आदरणीय महेश चंद जायसवाल। क्या बात है, गरिमामयी मंच को प्रणाम, अध्यक्ष महोदय से अनुमति और आप लोगों का आशीर्वाद। चंदौली में कर्मनाशा नदी बहती है, भूमिका दमदार भैया ने बना दिया है, लेकिन दमदार जी कहें या मैं कहूं या आप कहें कि कर्मनाशा का गुण वो नहीं है जो उसको बताया जा रहा है कि कर्म को नाश करने वाला, तो कोई मानेगा नहीं। लेकिन उसकी बात अगर उससे बड़ी नदी कहती है जिसको सभी ने मान्यता दिया है, गंगा, तो शायद कर्मनाशा की बात में वो तर्क मिले। गंगा नदी जब चलती है तो बक्सर तक आ करके वो कर्मनाशा के सहारे ही गंगा सागर तक पहुंचती है और कर्मनाशा उसकी सहायक नदी बनती है। गंगा और कर्मनाशा के बीच का वह द्वंद, गंगा सोचती है कि कर्मनाशा तुम इतनी अच्छी और इतने पावन नदी होने के बावजूद भी कर्मनाशा क्यों कहा गया तुम्हें, क्यों तुम सबका कर्मनाश करती हो, उसको धिक्कारती है। और कर्मनाशा फिर अपनी बात को अपने तर्कों में बोलती है। तो कर्मनाशा और गंगा के बीच का कुछ संवाद सीधे सीधे मैं आपको जोड़ता हूं। मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया, मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया, फिर तपस्या करके मुझको स्वर्ग से लाया गया। क्या करूं होऊं प्रफुल्लित डूब जाऊं शोक में, क्या करूं होऊं प्रफुल्लित डूब जाऊं शोक में, मुझको बहना है बहु इस लोक या उस लोक में। ये गंगा कह रही है, वहां से वार्ता शुरू होती है कि मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया, फिर तपस्या करके मुझको स्वर्ग से लाया गया। क्या करूं होऊं प्रफुल्लित डूब जाऊं शोक में, मुझको बहना है बहु इस लोक या उस लोक में। द्वंद से पूरित हृदय था, द्वंद से पूरित हृदय था, कौन धारेगा मुझे, द्वंद से पूरित हृदय था, कौन धारेगा मुझे, क्या पता इस लोक का ही देव तारेगा मुझे। मानकर अपनी नियति में इस धरा पर आ गई और देव स्थल जम्बुद्वीपे हिम शिखर पर छा गई। क्या बात, मानकर अपनी नियति में इस धरा पर आ गई, देव स्थल जम्बुद्वीपे हिम शिखर पर छा गई। हिमगिरी से लोकेश तक, लोकेश से ऋषिकेश तक, हरिद्वार तक उद्गार से, वाह, लोकेश से ऋषिकेश तक, हरिद्वार तक उद्गार से आगे बढ़ी, काशी चढ़ी खुद के संचित भार से, वाह,
गंगा की यात्रा देखें। हाँ। लोकेश से ऋषिकेश तक, हरिद्वार तक, उद्गार से आगे बढ़ी काशी, चढ़ी खुद के संचित भारत से। अब तलक की यात्रा में वेग था, उमंग था, पत्थरों को काटने का एक पहाड़ी ढंग था। सामने परिदृश्य समतल मुझको भरमाने लगा, वेग में भी क्षीणता और स्थिरता आने लगा। क्या बात है, जब पहाड़ से वेग था लेकिन पठार पे जब आई बक्सर तक तो उसकी वेग में कमी आ गई। तो अब तलक की यात्रा में वेग था, उमंग था, पत्थरों को काटने का एक पहाड़ी ढंग था। सामने परिदृश्य समतल मुझको भरमाने लगा, वेग में भी स्थिरता और क्षीणता आने लगा। क्या बात, आह आह, यात्रा के इसी सोपान पर ही गिर पड़ी मैं। आह, यात्रा के इसी सोपान पर ही गिर पड़ी मैं। आज भी उन्नत शिखर को ताकते रजमे खड़ी मैं। अब पाप को भी नाश करने का सहारा चाहिए ही, और मुझ नदी को एक अविरल तेज धारा चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। यात्रा के इसी सोपान पर ही गिर पड़ी मैं। आज भी उन्नत शिखर को ताकते रजमे खड़ी मैं। पाप को भी नाश करने का सहारा चाहिए ही, और मुझ नदी को एक अविरल तेज धारा चाहिए ही। तब सहारा देने मुझको पास एक आई नदी। हाँ। सहायक नदी बक्सर में उसको मिल रही है। क्या बात है, नहीं तो आगे की यात्रा वो कर नहीं पाती। अरे कविता हो रही है, कविता हो रही है, बहुत अच्छा। तब सहारा देने मुझको पास एक आई नदी, गुम हुआ अस्तित्व जिसका बन के परछाई नदी। तब सहारा देने मुझको पास एक आई नदी, गुम हुआ अस्तित्व जिसका बन के परछाई नदी। सानिध्य पा जिसका हमारी वेग ने आवेग पाया। सानिध्य पा जिसका हमारी वेग ने आवेग पाया, और यात्रा संग मात्रा के मेल ने संवेग पाया। क्या बात है, तब सहारा देने मुझको पास एक आई नदी, गुम हुआ अस्तित्व जिसका बन के परछाई नदी। सानिध्य पा जिसका हमारी वेग ने आवेग पाया, और यात्रा संग मात्रा के मेल ने संवेग पाया। कर्मनाशा नाम था। कर्मनाशा नाम था पर एक अलग व्यवहार देखा। कर्मनाशा नाम था पर एक अलग व्यवहार देखा। कर्मनाशा के विरुद्ध कर्म का उपहार देखा। कर्मनाशा नाम था पर एक अलग व्यवहार देखा। कर्मनाशा के विरुद्ध कर्म का उपहार देखा, और कर्मनाशा से उलट वो कर्म ऐसा कर गई। मैं सभी को तारती क्या, खुद उसी से तर गई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एक अलग व्यवहार देखा, कर्मनाशा के विरुद्ध कर्म का उपहार देखा, और कर्मनाशा के उलट वो कर्म ऐसा कर गई। मैं सभी को तार दी क्या, खुद उसी को तर गई। तर गई, क्या कहने भैया। तार कर मुझको मुझी में खुद भी वो बहने लगी। हाँ। तार कर मुझको मुझी में खुद भी वो बहने लगी। प्रश्न का मुख भाव देख कर बद्ध हो कहने लगी, तुम रहो निर्मल सदा पर मुझको एक अभिधार दे दो। वाह। तार कर मुझको मुझी में खुद भी वो बहने लगी। प्रश्न का मुख भाव देख कर बद्ध हो कहने लगी, तुम रहो निर्मल सदा पर मुझको एक अधिकार दे दो। वेदना बाधा विसद अपमान का संसार दे दो। हूँ अमान मैं अगर इस श्राप संग दिन काट लूंगी, प्रिय किसी भी भांति देखो मैं पहुँच उस घाट लूंगी। पर तुम्हारी मान्यता को रंच भर भी ठेस होगा, आस्था विहीन नर का अर्ध सत्य परिवेश। वाह 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 वाह। कर्मनाशा अपने अस्तित्व को मिटा देती है, कविता गंगा से कहती है कि तुम्हारी मान्यता को रंच भर भी ठेस ना पाए। तार कर मुझको मुझी में खुद भी वो बहने लगी। प्रश्न का मुख भाव देख कर बद्ध हो कहने लगी, वेदना बाधा विसद अपमान का संसार दे दो। तुम मुझे अभिशाप का वो सुखी संसार दे दो। पर तुम्हारी मान्यता को रंच भर भी ठेस होगा, आस्था विहीन नर का अधरसत परिवेश होगा। क्या बात। महसूसती मंदाकिनी मिट मौन मन मर्मज्ञ को। क्या लगता है। महसूसती मंदाकिनी मिट मौन मन मर्मज्ञ को, कैसे कह दूं काल कारक कर्मनाशा कर्म को। तस दिया अस्तित्व जिसने खुद गुजर कर वेदना से, संभव नहीं उसका हृदय हो शून्य सब संवेदना से। वाह। महसूसती मंदाकिनी मिट मौन मन मर्मज्ञ को, कैसे कह दूं काल कारक कर्मनाशा कर्म को। तस दिया अस्तित्व जिसने खुद गुजर कर वेदना से, संभव नहीं उसका हृदय हो शून्य सब संवेदना से। वाह। द्वंद का यह भाव जब उर्गंग में भी सह न पाया। मंच का ध्यान चाहूंगा कि द्वंद का यह भाव जब उर्गंग में भी रह न पाया। भावनाओं का अनल मन धूम संग आकर समाया, और पूछती तब जान भी झिंझोड़ कर अंतर्व्यथा कि कर्मनाशा तुम बताओ कर्मनाशा की कथा। मैंने जो चीज सुनी वो तो है नहीं तुम्हारे व्यवहार में। कि पूछती तब जान भी झिंझोड़ कर अंतर्व्यथा, कर्मनाशा तुम बताओ कर्मनाशा की कथा। क्यों तुम्हारी हर कहानी आह विचलित कर रही है। क्यों तुम्हारी हर कहानी आह विचलित कर रही है।
आदि तेरा अंत तेरा प्रश्न किंचित कर रही है और तामसीतम तर्क तेरा तुम तिरस्कृत तज्ज क्यों हो, तामसीतम तर्क तेरा तुम तिरस्कृत तज्ज क्यों हो, पात्रता है परोपकारी पर पतित परितज्ञ क्यों हो, तामसीतम तर्क तेरा तुम तिरस्कृत तज्ज क्यों हो, पात्रता है परोपकारी पर पतित परितज्ञ क्यों हो, क्या तुम्हें यह भान है कि हम नदी का धर्म क्या है, क्या तुम्हें यह भान है कि हम नदी का धर्म क्या है, सार सरिता मुख कलंकित नर बलि का मर्म क्या है, वाह गंगा धिकार रही उसे, कि क्या तुम्हें यह भान है कि हम नदी का धर्म क्या है, सार सरिता मुख कलंकित नर बलि का मर्म क्या है, अस्तित्व पर पा चोट गहरा पट हृदय के खोलती है, अस्तित्व पर पा चोट गहरा पट हृदय के खोलती है और निरपय का भेद करके कर्मनाशा बोलती है, क्या बात है, अस्तित्व पर पाचोट गहरा पट हृदय के खोलती है, निरपय का भेद करके कर्मनाशा बोलती है, हाँ हाँ मुझे यह याद है कि सत्य क्या है धर्म क्या है, हाँ मुझे यह याद है कि सत्य क्या है धर्म क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है भाव क्या है मर्म क्या है, अपोषणा सारे सजीवों को नदी का धर्म है, कर्म को ही नाश कर दूं ये ना अपना कर्म है, वाह हाँ मुझे यह याद है कि सत्य क्या है धर्म क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है भाव क्या है मर्म क्या है, पोषणा सारे सजीवों को नदी का धर्म है, कर्म को ही नाश कर दूं ये ना अपना कर्म है, बहुत बढ़िया सन्निकट अपने तटों पे सभ्यता विस्तार हो, अब नदी का धर्म बता रही है कि सन्निकट अपने तटों पे सभ्यता विस्तार हो, नील हो या टेम्स हो या सिंधु की वो धार हो, पोषणा सारे सजीवों को नदी का धर्म है, कर्म को ही नाश कर दूं ये ना अपना कर्म है, क्या बात, च्युत कर दूं धर्म से और च्युत कर दूं आस्था से, यह मनुष्य का स्वार्थ निकला स्वार्थ का प्रकाष्ठा से, वाह जिस मनुष्य को मां ने अपना निरपय अमृत दिया, कर्म नाशा की उपाधि निज स्वार्थ में उसने दिया, पर तुम्हारी कर्म नाशा सोच पर ही खेद है, कर्म पर तुम्हारी कर्म नाशा सोच पर ही खेद है, कर्म और फिर कर्म में देखो तो गहरा भेद है, एक तरफ एक कर्म के आधार पे पीढ़ी बढ़ा, एक तरफ एक कर्म है जो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा, एक तरफ तो लोभ से पैदा हुआ निस्वार्थ ही और एक तरफ निस्वार्थ तुम सा तारती भागीरथी, वाह के कर्मनाशा और गंगा के बीच के कुछ वार्ता थे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।